श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के 6ठे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान हर और भगवान हरि में कोई अंतर नहीं है, एक विश्वनाथ है तो एक जगन्नाथ है। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में साक्षात निवास करते हैं। जिस घर में शालिग्राम हो, शंख हो और तुलसी हो, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जिस घर में शंख ध्वनि और वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, वहाँ किसी को कोई रोग नहीं होता है। उनके द्वारा भजन मेरे बड़ भाग हमारे घर तुलसी सुनकर श्रोतागण झूम उठे। उन्होंने कहा कि जीवन में मस्ती ढूंढना हो तो अपने अंदर की परमात्मा का दर्शन करो, उससे अधिक मस्ती और कहीं नहीं है, क्योंकि परमात्मा आनंद का ही रूप होता है, उसे पहचानने की जरूरत है। दर दर भटकने से अच्छा है अपने अंदर ही मन को लगाना चाहिए, वहीं सब कुछ मिलेगा। इस भाव को एक सुंदर भजन तेरे घर में बादशाही क्यों भोला फिरे दीवाना के माध्यम से श्रोता को सुनाया। प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश होता है, हम सभी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है अपितु उसी परमात्मा के अंश हैं। हमें जब तक यह पता नहीं होता है तब तक हम भ्रम में रहते हैं, किंतु जिस दिन किसी संत या गुरु के द्वारा हमें यह ज्ञान कराया जाता है तब हमें स्वरूप का पता चलता है, तब उस परमात्मा से अपना एकाकार करते हैं। इस बात को शेर और बकरी की कहानी के माध्यम से श्रोताओं को समझाया। जैसे सभी जल समुद्र का ही अंश होता है, इसलिए सभी नदियां जाकर समुद्र में ही मिलती हैं, उसी तरह सभी जीव आज नहीं तो कल उसी परमात्मा में ही जाकर मिलेंगे, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। इस जीवन में संसार की जो उपाधियां हमें मिलती हैं उनसे हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है और धीरे धीरे हम भगवान से दूर होते जाते हैं। हमें अगर परमात्मा के समीप जाना हो तो उपाधियों से बचना पड़ेगा। को श्री शिव महापुराण कथा के समापन के अवसर पर कथा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी। तत्पश्चात गोरखनाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा।